क्लियोपात्रा और अरियाना टूर का पांच बंदर का सफर में हम पहुंच गए पित्तल नगरी रेवाड़ी के अंदर। दिन की शुरुआत करते हैं रेस्ट हाउस के कमरे से। लुगाई जल्दी उठकर नहा धो ली थी, भी मेरती भी ऑर्डर दे दिया था आदमी फटाफट नहा धो ले, उसके बाद आप जल्दी लकड़ा नान रोल में देखने के बहुत घने सामान है। लुगाई तो भाजी भाजी हंड थी, मेरी इतनी आंख भी नहीं खुल रही थी, आंख में सड़ता मसलता बढ़ जाता हूँ। बाथरूम में नहा धो आगे लत्ते कपड़े पैर लेता हूँ, फिर निकल देती अपना सोता सोटा पैक करके। अपना साधन पायलट जुटा पड़ा था, गाड़ी कपड़ा मारो मांगा साधन गाड़ी काट ले, बाइक को बाय कर देते जो केयर टेकर था रेस्ट हाउस का। अपना साधन पायलट ने सारी आरएनडी कर ली थी, नारनोल में क्या क्या देखने वाला आइटम है पूरी लिस्ट बनाए बैठा था। बला यहाँ चलेंगे वहां चलेंगे, वहां ठीक है भाई ले ले गाड़ी ने। सर जी नमस्कार, साहब चोर को मत कौन सा बताया ये। क्या प्रोग्राम था जिसमें चोरी चारी का माल था इसमें? क्यों रखा नाम ये तो पता नहीं, ये पुराना ने रखा हुआ। अच्छा। क्यों रखा हुआ है, क्या मकसद से रखा हुआ है? सब ने तीन चार नाम बताए थे, हमने सबसे पहले सिलेक्ट करा चोर गुंबद। अरे क्या हुआ, खोल ले कुवाड़ा ने। अरे इसमें भी ताला ला रखा है, बता चोर गुंबद में के चोरी करके ले जाएगा? बीता ने पाड़ लेगा लोग, तने बेरा कोनी आजकल कितने आबादी हो रहे हैं। बाकी नानोल तो यार सूट की जगाड़ तो नहीं होना चाहिए यार बात। क्या टाइम हो गया? टाइम तो 9:30 हो गए। आओ तो बता के दिखाओ यार, इतनी दूर तक पाठ आ गया रे हमें। यहाँ मिल जाता है एक बहुत ही प्यारा फ्लोर भाई, साथ में कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा था। अरे साजन है वो अपना शादी राम कर जोड़े पार्क की मट्टी कड़ा है यार। ले रहा फिर करना काम नहीं हो तो कद खुला भाई का तो भला कर दिया। ले लो भाई तेरा तमड़ी मट्टी गिर दे इस पार्क में, नानोल के सारे रंडे भाई यहाँ भला हो जाएगा। बता दिए सारे नया स्पेशल मट्टी ला रहे हम। बस गणी नहीं गिरनी, बाकी जगह भी गिरनी है या साधन संभला दे या बहुत कीमती चीज है। शादी राम घर जोड़े पार्क की माटी इस पार्क में भी मिला दी। अरे लुगाई के ज्ञान करेगी बाट देखेगी चलना ना, बाट कौन देखा फिर अपने रिवाड़ी भी चलना लेट हो जाओगे। बाट तो देखे लिया बंदे। अच्छा। तो कैमरा कितनी देर में होगा भाई? कैमरा की मैं चोरी का माल दबे उड़ा पाजा को सरफी। चोर गुंबद का बरना का खड़े खड़े काफी देर होगी भाई, खोलनी आनी या फिर लुगाई ने बोली चाल चलांगा। मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था मैं देखना चाहूँ था भाई चोर गुंबद का भीतर के आइटम पाओगा, पर नहीं आ पाता भाई, तड़ा खोलनी ऐसे निकल लेते हैं। मखा चाल भाई साजन अगला चौक पे ले चल, महावीर चौक पे भाई ट्रैफिक वाले भाइयों ने रुकवा लिया। बला जी आपकी सारी वीडियो देखते हैं मखा, बहुत बढ़िया बात भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों का। बोला हमारे साथ चाय पीने मखा जी बिल्कुल ना, तो अपना तो रहे नहीं निकल देते भाइयों के साथ चाय पीने के लिए। और भाई चाय बनानी ने भी चाय जमा गोटे दी थी भाई को, बार बार धन्यवाद देता हूँ भाइयों के साथ चेयर्स करके चाय का एंजॉय लेता हूं। कुछ तो स्वाद था इस कसोरा का मखा भाइयों, कसोरा कड़ा तले आकर बिला आड़े बनाकर मैं बताऊं, मैंने कड़ा से बना भाई ने एड्रेस दे दिया। मैं ठीक है जी मैं देख के आऊंगा, यहां से घुमा के यू टर्न ले लो। ठीक है जैसे ही आप यू टर्न लोगे ना वहां अग्रवाल धर्मशाला है, वहां गाड़ी खड़ी कर देना और राइट में मुड़ जाना पता है। ठीक है भाई जी थैंक यू। अगला प्लान था बीरबल का छत्ता देखने का, गूगल में अपना बैसी जगह बाट दे चढ़ ना तो बड़ा चार ना लिखा था। अरे लुगाई को सुती परमठा खस भाई उठ रही है ना सम चढ़ गई मेरा तो मैंने नहीं तोड़ के कोड़ भीतर पड़ गया। मेरा नहीं चुका कुवाड़ तोड़ के भीतर पड़ गया। अरे पहले मेरा गालो अंकल राम राम, छत्ता यही होगा यही। अच्छा ये तो मकान है, छत्ता क्यों बोलते हैं इसको? ये पुराना छत्ता सबसे बड़ा ये मकान थोड़ी है। ये छत्ता क्या होता है? छत्ता है पुरानी बिल्डिंग है। अच्छा पुरानी बिल्डिंग को छत्ता बोलते हैं? हमारे यहाँ माल मक्खी लगाती है भिड़ लगाती है उसको बोलते हैं। वो नहीं है माँ, तो वहाँ छत्ता पाओगा साथ में डड़ा लेके आते डड़ा मारे जाते हैं, वो छत्ता नहीं है। ठीक है अंकल थैंक यू। अरे यो गेट तो यो भी कौन ही कटेगा पड़ेगा साजन है यो भी बंद है के तो आपने खोलना पड़ेगा जी, मारे कौन समझ में आवे। सब क्या ताला लाए क्यों बैठे चोर को बंद बंद कर रखे आड़ा है यो बंद के चक्कर है ज्ञान कौन रखेगा फिर। अच्छा ध्यान नहीं इसमें कि सोना चांदी दाब रखा है तो वो पैसे भी आधी बढ़ सकते हैं ना। अच्छा इसका टिकट लग गया कि इसमें ना। फिर बता के ताला लाना अंकल। चलो भाई पाछे गए यहाँ जगह बता बीच में क्या हाथ छोड़ रखी है आड़े के करार दबीर बल्ले है आजा ताशा खेल नहीं जगह हागन होले क्या है कौन बेरा तने। आज की तो हमारी बोनी खराब हुई थी, पहले तो चोर गुंबद बंद पाता उसके बाद आड़ा बीरूपल का छत्ता माया इसके कुवाड़े भी बंद पाए। फिर एक भाई ने बता बेला पिछली तरफ जाओ और कंस्ट्रक्शन चल रही है तन खुला पा जाएगा। ये कहा है फिर खड़ा का जावा आज फिर आड़ा में ले लू इसकी आज का हमारा प्लान नंबर दो भी फेल हो जाता है आगे निकल देते हैं। अपनी ड्रेस सी देख कर नहीं है घबरा जाएंगे तो सुई लानी आगे क्या पोलियो की दवाई क्या होंगे उल्टे बढ़ जाए भीतर। पर हमारे साथ सारे काम उल्टे नहीं बढ़ रहे, बेकार सीधा ही बढ़ लग रहा था। एक फैक्ट्री पा जाती है जो कसोरे बना कर दी मार लुगाई दोनों बढ़ जाते हैं देखने के लिए। कितनी देर में तैयार हो अंकल? एक घंटे में रेडी हो जाए तो नीचे गैस गैस तो कुछ नहीं होता, खाली लकड़ी की आग है। खाली लकड़ी बुरादा नहीं बुरादा। हाँ हाँ आहा जोग मार देते हैं भड़बू से। कह रुपये का एक दो अंकल यो पीस, एक रुपये तीस पैसे का पड़ता है। एक रुपये तीस पैसे का एक बेचो हो आप है? और मट्टी कट लाओ इसकी मिट्टी कोई ले रहो आस पास गाँव में ना वो भी मोल खरीदनी पड़ा है। साढ़े चार चार तीन चार हजार रुपये ट्रोली। अच्छा तीन चार हजार रुपये ट्रोली। बस फिर बनना तो क्या अंकल दिहाड़ी है दिहाड़ी मसा बनती होगी
ठीक है अंकल, बहुत बढ़िया। कई दिन तक जी मैं देखा है चुकर बनावा है, आज बैठ गया सूत कसोरे बनाने की सारी कार्रवाई देख के हम लोग निकल लेंगे, तैयारी पकड़ते तो लुगाई की निगाह पड़ जाती है। अंगीठी पहनने वाली साधन या बना देगा, कह रही है मानस देख ले कितने बोले बाले सीधे थे, बोला बेटिया ले जा मारा कोई बात नहीं दूसरी बना लेंगे। मखन आंटी लेके कोनी जा सकते मारा तो जगह कोनी, गाड़ी में धर्म निकल लेते साधु ने बोला गाड़ी में तेल कोनी पंप जाते उनकी मशीन खराब हो पाई। ले लुगाई यो देख ले यो है जलमहल, बता किसने बनाया होगा किस खातर है। राजा ने बनाया होगा अपनी रानी खातर है, तेरा देख ले तेरा के कर ले, तू एक बाल्टी पानी कौन गाल ले, राजा ने और बड़ा महल बना रखा है। अब हम पहुंच गए थे नारनौल के अगले मोन्यूमेंट पर, भगवान की दया थी जो हमने खुला पा जाता दूर से हाथ जोड़ता हूँ थमका पर जमा मत डोब दे सारे सोते बंद करे पाओ। कंस्ट्रक्शन एक नंबर के सीधा ही देख ले छोरा की जमा सूता मार के बना रखा एक एक पिलर 00 डिग्री पे। और यो देख लो थम जल मेल के थम्बोले जो ये पुल बना रखा कितने चौड़े कितने मजबूत है, क्या फुटका लुगाई ना पीछे मोटा मोटा 5-5.5 फुट का आसपास होगा भाई, छोटी रहेगी। और कोई इस पर ट्रक नहीं चलने, कोई हैवी व्हीकल नहीं चलने, फिर भी इतने मजबूत बना रखे अगला ने। यह बात तो उन पुराने मिस्त्री की माननी पड़ेगी, चीज इतनी मजबूत बना रखी जितनी हमारे पास भी नहीं बनती, मिल जाते हैं यहाँ कुछ फ्लोर पे भाइयों के साथ आलो करता हूँ फोटो खिंचवाता हूँ उसके बाद निकल लेते हम लोग अगले ठिकाने के लिए। अड़की अड़की भूख लगी थी, एक लोकल भाई से पूछता हूँ मखारे ब्रेकफास्ट में बताओ क्या करना चाहिए, बोला जी माड़ू राम की बर्फी खा लो एक बार खा लो शांति अपने भूखा नहीं लगा, चले जाते माड़ू राम भाई के यहाँ। और यहीं पे हमने बुला लिया अपने प्यारे मित्र उमेश, अयोध्या वालों को बैठ के बर्फियां खाने लग जाते हैं। उमेश ने बोला भाई ब्रेकफास्ट में बर्फी कौन खाया, गरम खाई हरियाणा से प्रधान आड़ा सारा सौदा चल रहा है। फिर मैंने साधन पायलट थी बता दिया जो उमेश भाई ना अयोध्या करने वाला भाई इसके चरण की धूल में भी श्री राम कान सभी फटाफट चरण स्पर्श कर ले, बाज के चरण स्पर्श करता है साधन पायलट। बर्फियां का ब्रेकफास्ट मारा हो गया था भाई, सारे भाइयों ने बार बार धन्यवाद देता हूँ निकल देता हूँ। राजा जमा 200 रुपया साधन ने बोला जी बताओ अगला क्या ठिकाना मान्य ज्ञान कर तू गाड़ी लोहरा दो ले चल भाई कल कमिटमेंट करके आ रहे थे उनकी वीडियो बनाने खातर आप। राम राम भाइयों। और यह सारे गाड़िया लोहरा टोली भाई बैठी बैठी मारी है बाढ़ देखने ला रही थी थारी उड़ी करने ला रहे कद आओगे मारी वीडियो कद बनाओगे, मखा तू भट्टी भट्टी चला भाई फिर बनाऊंगा, बोला भट्टी तो कौन चलाओ फिर न्यू कर न्यू करनी हो थोड़े मार जा पीना सीख ले तू आ जा इतने फेफड़े न्यू करू चले जाएंगे गड़ा के अपना साधन पहले टोका भर कर लिया था भाई आगाड़ा बतेरी थी, फिर मैं थोड़ी अलबात करता हूँ अपना अयोध्या भाई के साथ में ओका पीना सीख ले तेरे फेफड़े काचे पड़े बड़े बड़े काले करने ना अयोध्या भाई मना कर देता है। ओका पीने के बाद इन भाइयों से विदा लेते हैं बाय कर देते हैं बताइया देवी ओके। अरे मारी खाट के पास से एक बुढ़िया बैठी थी बोली बेटा मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया जाइए मेरा कड़ा जी करे हमारा कोई बात ना ताई जानता था देखे जाऊंगा जाता था कोल्ड ड्रिंक देके जाता हूँ ताई ने। समय हो गया था करीबन 11:30 बजे का भी 12 बजे का मीट रख रखा था मैं चलो भाई सारे भाई चलेंगे ठिकाने में पहुंच जाते हम लोग सीधा बस अड्डा। पहले बालक नाड़ दे दी आ जा आ जा पौने 12 बजे के आसपास मैं पहुंच जाता हूँ मीटअप स्थान पर, कई भाई आए खड़े थे भाई सारे भाइयों के साथ आयलो करता हूँ सारे भाइयों के साथ फोटो खिंचवाता हूँ, कई मारी छोटी बहन भी आ रही थी उनके साथ भी आयलो करता हूँ फोटो खिंचवाता हूँ, फिर एक भाई तो देख लो भाई स्पेशल केक लेके आ रहा था भाई देखते ही दिल खुश हो जाता है बार बार धन्यवाद देता हूँ प्यारे भाई को। छोटे बालक पर केक तो कटा लिया एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है मखाई हैप्पी बर्थडे वाला गाना तो गाया नहीं जाए, कौन सा गाना गाया जाओ किसी ने बेरा हो तो बताइयो कमेंट में। केक हमने काट लिया था छोटे छोटे टुकड़े सारे भाई बहन हम बांटते हैं सारे भाई बहन एंजॉय करते हैं केक का, उसके बाद बातचीत करते हैं आपस में अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, पूछता हूँ मैं नाम धरा तो बता दो कोई नहीं बताता, फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आराम से। कोई भाई आने लग रहा था कोई भाई जान लग रहा था पूरा मेला सा लग रहा था भाई, एक मिठाई का डिब्बा धरा था रसगुल्ले का डिब्बा था जो महेंद्रगढ़ की गौशाला था दिया था एक भाई ने गिफ्ट में भाई लिया सदन सारे भाइयों ने खुवा दे रसगुल्ले, तभी एक और प्यारे भाई ने सारे भाई बहन खातर लेमन शिकंजी बनवा दी एक के गिलास करके सबको पिलाने लग जाते हैं। जी प्यारे भाइयों बहुत बहुत आभार भाई बहुत बहुत धन्यवाद, कितना सुतरा गुलदस्ता लाया थोड़े देखिए नाल कर दिया भाई अच्छा अल्लाह सर मोटर से है भाई सेल परचेज पुरानी गाड़ी लेनी हो देनी हो टाइम हो गया था 12:30 बजे का भी अपना मीटअप का टाइम और हो गया था पर अपने भाई बहाने लग रहे थे मैं कोई बात ना 10-5 मिनट और लगा देते हैं। टाइम पूरा होने के बाद सारे भाइयों को हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ उसके बाद निकल देता हूँ, एक भाई आया हुआ था बोला जी छोटा तालाब और बड़ा तालाब देख के आओ की बहुत जरूरत है वहाँ पे, छोटा तालाब तो एक नंबर का था भाई साफ सुथरा था बहुत ही बढ़िया माहौल बन रहा था बहुत बड़े बड़े पेड़ लग रहे थे देख के जी आ जाता है फिर चल देते हैं बड़े वाले तालाब को देखने के लिए। बड़ा तालाब आ गया जी आज बड़ा तालाब ये तो मौज कर रखी है आपने तालाब थोड़ी कहोगे इसने अजी भाई जी ये तालाब है तालाब नहीं इसका नाम बदलो सरकार भाई मेरा ने कड़ा सुन लाग रहा सुन ले इन भाइयों की भी ये इतनी बढ़िया चीज मारे दादे परदादे बना के चले गए बुहारी जाड़ी तो कर दो इनकी कोई लंबी चौड़ी बात थोड़ी है। और भाई छोरो सारा काम सरकार का भी नहीं है कुछ अपनी भी जिम्मेवारी है, पानी पी के बोतल गेर दी चिप्स खा के लिफाफा गेर दिया
तो हमने यो हाल मिलेगा। जनता ने भी अपनी जिम्मेवारी समझनी है, जो स्क्रैप है जो अड़ंगा है वो प्रॉपर अपनी जगह पर डिस्पोज करना है, ताकि जो इस तरह के जो अपने हेरिटेज आइटम है वो साफ सुथरे और बढ़िया पाओ जब हमने विजिट करना हो। ध्यान रखियो मेरी बात ने। छोटा और बड़ा तालाब दिखाने के बाद भाई मेरे को लेके चले जाते हैं पानी की बावड़ी दिखाने के लिए। अब इन जगह है मैं जो है ना विजिट करते हैं खास ध्यान रखना है, खोकर खाकर इनमें साफ सुफ हो जाए। देखो कादड़ी साफ की पूरा एहतियात है दर्शन करने, इन सारे जगह आके कितने भी कुछ भी पास के पुराने किले के दीवारों में छेद छात्रा जाए उनमें साफ सुफ अपना घर बना ले, पे ध्यान रखने वाली बात है ये। कास्ट को मत जोड़ो। अब मिलने के लिए आ जाते एक बहुत ही प्यारे पंडित जी, भी साथ में लेके आए नारियल और बर्फी वाला। मेरी घर वाले ने कहा था भाई जी हलाल आकर ठोक दे टंकी ने, पेटीएम पेटीएम सारा सुधा चलता होगा, नगद नहीं है। और भाई मन तो हलाल आके हुआ कही थी सात जने डाके ने किता सुन ली, वो गाड़ी ने सच्चे हलाल आके भरवाने लगे। मैं लुगाई पानी तो पैदे पे लुगाई चली जाती, पानी की बोतल लेके आती है उसके बाद बैठ जाती है अंदर, भाई लुगाई भी हलने लग जाती है सात जन के हलाने के कारण। टंकी फुल करवाने के बाद निकल लेते रेवाड़ी के सफर पे, रास्ते मिल जाते दो बहुत ही प्यारे भाई, भाइयों के साथ हालो करता हूँ फोटो खिंचवाता हूँ। अब शरीर में निकोटीन की कमी हो गई थी, मैं साधन की बना ले जुगाड़, भाई साधन रास्ते में एक जुगाड़ देख लेता भाई ओका पीता हूँ, दो भाई वहां भी मिल जाते भाइयों के साथ फिर हालो करता हूँ फोटो खिंचवाता हूँ। तकरीबन घंटे का सफर करके हम लोग पहुंच जाते सीधे रेवाड़ी शहर में, और बढ़ते हमने देखने को मिलता एक बहुत ही नया आइटम। यो सारा रोड भरा पड़ा था रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतला था, अलग अलग डाल के पुतले लाल पीड़े हरे लीले अलग अलग रंग के पुतले बन रहे थे आड़े। मगा साधन आड़े तो पूरी मंडी है लाग रही भाई आड़े ते लेके जाते होंगे अड़ोस पड़ोस के लोग। अब साधन पूछने लग गया जी रेवाड़ी पहुंच के बताओ सबसे पहले कड़ा चला मगा न्यू कैन कर तू स्टेशन पहले चल, रेवाड़ी का स्टेशन एक नंबर का पाओगा हरियाणा में सबसे बड़ा स्टेशन पड़ा चाहिए रेवाड़ी का। अपना साधन ने भी सीधी गाड़ी ला दी भाई स्टेशन पे बढ़ जाते हम, स्टेशन के भीतर भी ताजा ताजा रेल आए थे उसमें देखते दूधिए भाई अपने डिब्बे तरन लग रहे थे। फिर भाई हमने स्टेशन पर दाए बाए हंडना शुरू करा, देखते भाई बीता बहुत ही बढ़िया फोटो बना रखे थे अपने पुराने पुराने इंजना के। फिर हमने फोन करके भाई एक टूर गाइड बुलाया जो अपना पुराना मित्र था मोहित भाई, मखा मोहित आजा भाई हमने दिखा के रेवाड़ी में क्या-क्या देखने का है। 4 बजे तक का टाइम है भाई जी, 4 बजे तक का तो टाइम है, 3:30 भाई जी हम इशारे से चल के आए आपका देखने के लिए। तो फिर तो जाना ही है। मोहित आंदी न्यू बुला जल्दी चलो 4 बजे लोको पायलट बंद हो जाएगा भाई, रेवाड़ी का सब तो मेन पार्ट है लोको पायलट, 3:30 बजे का टाइम हो गया था हम लोग पहुंच जाते हैं लोको पायलट के ठिकाने पे। पर भाई टिकट वाला भाई टिकट देने तो मना कर देता है, बोला जी लेट हो गए हमारा सारा स्टाफ चला गया। मगर खसमो बोर्ड पर हमने 4 बजे का टाइम लिख रखा 3:30 बजे पहले चुकर लेट हो। इस लोको पायलट के साइड में कई तरह की एक्टिविटी कराई जा रहा है, बोला भाई कई एक्टिविटी वाले जाली मखा भाई जो तेरे दूर रह रहे उनकी टिकट दे दे भाई 300 रुपये हम 4 मन से टिकट दे देता है। बढ़ जाते हैं भीतर भाई, एक हमारी इच्छा थी एक टॉय ट्रेन थी उसका सफर करने की भाई मना कर देता है, बोला टॉय ट्रेन का ड्राइवर चलेगा भाई भीतर साइड में रोक रखी है। वहाँ भीतर जाते मारते एक फिल्म दिखाते भाई छोटा सा हॉल था उसके ऊपर पड़ता फिल्म चला रखी थी, पहले कौन सा इंजन आया बाद में कौन सा इंजन आया सारा सिस्टम बता रखा था उसमें। उसके बाद हमने ले जाया भाई स्टीम इंजन सिमुलेटर में, इसमें आवाज भी स्टीम इंजन पर ज्ञान लग रही थी, लट्टू भी न्यू सतार भाई न्यू का न्यू आगत महसूस होता थोड़ा थोड़ा हल्ला भी था यो। कुल मिलाकर काफी हद तक यह फील आने लग रही थी जैसे आप स्टीम वाला इंजन चलाने लग रहे तो नीचे एक लट्टू सा दे रखा था उसके अंदर बार बार डंडा देना पड़ा था ना तो रुक जा था। कोई 5-7 मिनट भाइया ने मारती हुई एंजॉय दिया भाई स्टीम इंजन सिमुलेटर पर, हमने ड्राइवर बनकर देख लिया भाई बड़ा ज्ञान सा जाता उसके बाहर निकल के देखते हुए कई तरह के इंजन खड़े थे यहाँ। एक भाई ने मारती नंबर बता दिया भाई अपना साधन पायलट पूछने लग गया भाई सनी देओल वाली गदर फिल्म में कौन सा इंजन था, उसने नंबर बता दिया बोला 1653 था भाई हम टोट आगे देखते 1653 को। मखा चाल ने साधन सारे इंजन एक से रखे 1653 होता किसी का बोर्ड ला दे बढ़ जाते एक म्यूजियम था उसमें सारी चीज रखी थी रेल से रिलेटेड, रेल की झंडी थी रेल की लाइट थी उसके स्पेयर पार्ट थे उसके बाद बोझ तोलन का काटा था भाई यो काटा देख लो स्पेशल पुराने जमाने का बर्किंगम तो बन रहा है अंग्रेजा का था यो। और याद देख लो भाई टिकट काटने की मशीन पहले यहाँ मशीन हुआ कर दी इसके अंदर गत्ते के टिकट दिया करते कचक दे पंच कराया करते उसने। एक मॉडल भी इधर रखा था स्टीम इंजन कैसे काम करता है पाछा तो घुमाना पड़ा था भाई आगे चलता दिख जाता पिस्टन चुकर चला कर कड़ा कड़ा तो घूमया कर सोता। इस म्यूजियम में बहुत ही पुराने कासन भी धरे थे 1893 में प्लेट धरी थी कटोरी धरी थी गिलास गुलूस धरे थे जो अंग्रेज यूज कराया करते एक नंबर के कासन पासन थे सारे। ईव लुगाई न्यू बिली एक बार मैंने रेल में चढ़ा कर तो दिखा दे मैंने बेरा पड़ जा किसी बटन आ रहा है चुकर रेल चला कर चढ़ जाता हूँ मैं साथ में भाई मैंने एक भी बटन का नहीं बेरा था फिर भी लुगाई थी सारे बता दिए। इंजन आमत उतर के आगे चले तो एक मॉडल मिल जाता है मखा लुगाई या रेल सीधी चला जाए या उल्टी मोड़नी हो तो बता चुकर मोड़ेगी बोला मन्नत कौन मेरा मां चालता दिखा के लगा भाई यो मॉडल लगा इसको ऊपर इंजन चढ़ा दो इसने हाथा तो घुमा दो भाई न्यून तन्यून मुंह हो जाए इसका। और मड़े आगे ने चले तो एक नए डाल का इंजन पाया भाई इसने उसे पही कौन लग रहे पटड़िया की जरूरत कौन थी मां लुगाई ऊपर चढ़ के देख के जुगाड़ा भाई मेरा तो न्यू लगा था जो ट्रैक्टर पर साधन नहीं मानता बोला रेल का इंजन है हवा टॉय ट्रेन जो इन्हें बंद कर दी टेम तो पहले हमारा तो पहले क्लोज हो गया भाई ना इस पर बैठा के घुमाओ थे ये पटड़ी तो इंजन नीचे उतर रहा है ये चल रहा क्या लगा भाई बिजली भी नहीं कुछ भी नहीं इसमें ऐसे बैठते हैं न्यू बैठे हैं इस पर हाँ रिजर्व या सारा घंटा होगी इस म्यूजियम में क्या क्या देखना क्या नहीं देखना देखो कितनी छोटी सी हैं फील कर लूं मैं चल रहा है हाँ इंटरेस्टिंग है भाई चीज तो यार बहुत बढ़िया वर्किंग मॉडल आ गया जो पटड़ी बदला है या फिर न्यू मान लो यू टर्न दे रेल के इंजन ने या क्रेन है इनकी मेंटेनेंस करने खातर को बड़ा पुर्जा करना हो तो मैनुअल क्रेन देख लो ये फिल्मा का नाम भाई जिन इंजन इस्तेमाल हो देख लो
इतनी फिल्म बना दी नहीं जनाने। घंटे का टाइम लग गया भाई, पूरा लोकल साइड घूम लिया हम लोग, निकल लेते हैं बाहर। गाड़ी में बैठते मोहित से पूछता मखा, मोहित बता भाई अगला आइटम क्या दिखाना। मोहित ने बोला आप बता दो मान्यू ज्ञान कर भाई, रेवाड़ी की पित्तल मार्केट बहुत मशहूर, हम नोड़े ले चल तुम। मोहित ने बोला जी ओड़ा गाड़ी तो कौन जाओ, पैदल जाना पड़ा मा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑटो रिक्शा हो भाई, कोई सवारी रिक्शा हो, कोई उसी रिक्शा हो, उसमें चल पड़ा। बोला ना जी कुछ को थोड़ा ही दूर है, पैदल चल पड़ा। मोहित के पीछे पीछे हो लेते, पहुंच जाते हम लोग सीधे उस मार्केट में। इस मार्केट का नाम था गली ठठेरिया भाई, सारे मानस गद्दा है, गदमड़ रहे थे, सुता है, खुड़का हो रहा था। नमस्कार जी अंकल जी, कितने साल से कर रहे हैं काम? काम तो 40 साल से। 40 साल से है? ये जीरो से बनाते हो आप लोग? बिल्कुल चद्दर से बनाते हो? चद्दर कहाँ से लेके आते हो? ये सड़कों भट्टी वालों से लाते हैं। अच्छा, पीतल की और कांसे की? पीतल की करते हैं, कांसे की दूसरा कारीगर करते हैं। अच्छा, आप पीतल पीतल करते हैं। अच्छा, चद्दर क्या रेट लाते हो जी? चद्दर होगी 550 से 500। 550 है? और फिर तैयार करने के बाद किलो में बेचते हो गए पीस में? तैयार करने के बाद जैसे हिसाब दिखे वैसे करते। अच्छा, किलो में की पीस, किलो में ज्यादा क्या भाव जाए फिर? आपकी मेहनत देखनी है हमें, बीच में क्या रहे? 650-650 बस, 100-1 रुपए किलो फर्क है। 100-125 में कट्टा पिट्टी फोड़ा मोड़ा थोड़ी सब हो जाता है। आप परात के अलावा और क्या क्या बनाते हो? परात कढ़ाई। अच्छा, परात और कढ़ाई है। रॉ मेटेरियल दिखाओगे अंकल? चद्दर कहाँ है इसकी? ये रॉ मेटेरियल ले आए आप? ये आ गया 550 रुपए किलो। फिर इसको काट पीट के तार करोगे 650 रुपए किलो। वो किस पे होगी? वो भी दिखाओ जी। ये है, इस पे मोड़ोगे, इसको रखते हैं, इसको मार के यहाँ धीरे धीरे दिखाओ जी एक बार राव ने। मोड़ने के बाद इसको लाल करोगे, लाल करने से क्या होगा जी? नरम हो जाएगा। अच्छा, नरम हो जाएगा, फिर ये बिल्डिंग मोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। अजी बिल्डिंग किस में मोड़ोगे फिर? चलो मारी जाएगी। अच्छा, थोड़े से ओके ठीक है, इस पे फिर ये मुड़ जाएगी ना। फिर इसके बाद इस पे रख के फिर और झुकाएंगे। अच्छा, इसको और झुकाने के बाद फिर इस पे इसको वापस इस पे क्या कर रहे हो जी? मशीन जब मशीन तो अभी है, पहले पैर से करते थे, अब तो मजा आ गया मशीन से करने लग गए। और फिर ये मारते हैं मशीन। आंटी जी राम राम। राम राम जी। ये सारा दिन मोटा मोटो ही रहा, आपने नींद रात आ जा है? बिल्कुल आ जाए, आदत पड़ गई होगी तो है? पड़ चुकी है बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल बड़े हुए। अगर ये तो हमारी रोजी रोटी इसी में ही बड़े हुए बचपन से। सही बात है जी, सही बात है, परिवार की गुजर तो इसी से ही होती है। सही कह रहे हो, सारा दिन रहता होगा ये खुड़का तो है? बिल्कुल, जिस दिन काम ना हो ना उस दिन मन नहीं लगता। अच्छा, जिस दिन खुड़का रहे उस दिन नींद नहीं आती है, उल्टा आया। हमारी बिरादरी में ये है, जैसे कोई मौत हो जाती है, चाहे इतना सा बच्चा मरो चाहे बड़ा बूझा मरो, तो उस दिन काम नहीं होगा पूरे दिन। अच्छा, पूरा समाज ठीक है। आपका समाज किस नाम से जाना जाता है जी? ठठेरा समाज। ठठेरा, हाँ जी ठीक है जी। जैसे आपने पहले, अच्छा ठठेरा ठीक है, ठठेरा बहुत जी आज मिल भी लिया जी हमें इतने दिन बाद, किताबों में पढ़ा था ठठेरा, आज दिखाएंगे जी ठठेरा पा गया। मैं आज भी नहीं करता ये काम। अब नई पीढ़ी नहीं सीख रही? नहीं कर रही। नई पीढ़ी फिर पढ़ ली क्या, आगे चली गई होगी? कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नहीं अंकल, एक बालक को तो रखो आप, ये खानदानी काम आगे पुश्तैनी काम चलता रहे, यूं तो मिट जाएगा फिर ये मजदूरी ना बैठती ना इसमें काम है ना आगे चल के। अभी इतने महंगे बर्तन कोई खरीदता नहीं, सब करते हैं स्टील के, प्लास्टिक के ये बर्तन खरीद रहे हैं। अच्छा, स्टील प्लास्टिक ये खरीद रहे, पीतल बहुत कम। ले जी भाइयों, ये हमारा ठठेरा समाज रेवाड़ी से जो पुश्तों से ये काम कर रहा है पीतल का कांसे का, पर इन भाइयों की एक शिकायत है भाई, आजकल का जो नया सिस्टम है ना, मॉडर्न जमाना है, वो पीतल के कांसे के बर्तनों को छोड़ता जा रहा है, एल्युमिनियम की तरफ शिफ्ट हो गया, स्टील की तरफ शिफ्ट हो गया, प्लास्टिक की तरफ शिफ्ट हो गया। आप लोगों से विनती है, अपील है, ये स्वास्थ्यवर्धक आइटम है जी, खाने को लंबे समय तक ताजा रखता है, फ्रेश रखता है, और इसकी जो वाइब्रेशन है वो भी खाने के लिए बड़ी अच्छी है। आप एल्युमिनियम से दूर हो जाओ, प्लास्टिक से दूर हो जाओ, पीतल और कांसे की तरफ आओ। ठीक है जी अंकल जी, नमस्कार। तांबा भी चल गया? तांबा भी ठीक है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी, आप लोग जिंदा रखिएगा संस्कृति को।
वाजिब साहब ये हरियाणा के शाहनोका भंडार में पहुंच गया हम चाय को। अच्छा वो परातर प्लेट तो बहुत देखी, ये हमारे प्यारे भाई होका तैयार करने लग रहे। वाह जी वाह अंकल, ये नीचे वाला जुगाड़ कहाँ से बना बनाया आता है क्या? ये वाला ये मुरादाबाद से। मुरादाबाद से ऊपर के तार तुर कस के आप इनको तैयार करते हो? ठीक है जी भाई जी, ओके ओके सर। चले है के ले कीमत याद कर ले, चाले नाम नुम लिखवा ले इस पे। अच्छा कलर वाला 150 रुपया गिलास है, ये नॉर्मल 230 का है। अच्छा इसमें वजन है, ओके ओके ओके। ये कलर किस चीज का भाई, कितने दिन में उतरेगा? जो भाई ज्ञान की बात मेरा पटियाला है पास है, प्योर काशी की पहचान क्यों करनी है? नकली मिलावट तो नहीं है और कीमा डंगा तो नहीं मिला रखा, इसमें कुछ भी नहीं मानना है। और आड़ा नीचे थमने वाइब्रेशन मिलेगी, अगर वाइब्रेशन हो रही है तो प्योर है, नहीं हो रही तो मिला रखे। चलो अंकल दिखाइए एक बार। अच्छा ये तरीका है इसका वाइब्रेट करने का है, ऐसे बोलेगी घड़िया वाल बोलती है ना। हाँ ऐसे बोलेगी, और पीतल की घड़िया वाल आवाज नहीं करेगी। अच्छा वो ठप जैसे जाएगी थप। हाँ एक पीतल वाले और एक बार दोबारा बजाओ, पीतल की और बजाओ एक। अच्छा ये फर्क है ना। केक के ले लिया लोग, इतना एक तो ले ली परात परात, और दो ले ली थाली थाली दो दो। एक मैंने सोचू गिलास ले लूं, एक गिलास का केक रही जोड़ा दो ले लूं। चले जी ये कौन लगा इकला पड़े पड़ेगा, कटोरी है बहुत महंगी दे सटी लग लेने की बात को मना है इनकी, तो अपना गल्ला ही बात बनेगी। तांबे का मुंह क्यों नहीं लगाते अंकल, ये बात हम ना सुनी भाई, ये क्या वैज्ञानिक चीज समझ लो आप इसको। अब हाथ में वैसे करते हैं ना तो मुंह नहीं लगाते, हाथ से चाहे नमत मंदिर में होता है ना, हाथ से लेते हैं। क्यों नहीं लगता, क्या कारण है, किसने? ये वैज्ञानिक चीज है। चलो पुरानी चलती आई है पुरानी, देख ले सुन ले साजन, तांबा गिलास का मुंह नहीं लगाते, ओकला पीना है। चांदी से मुंह लगाओ, सोने से लगाओ मुंह। अच्छा चांदी सोने से मुंह लगा लो, तांबे से मुंह नहीं लगाना। खड़ा किसमें खड़ा चाहिए? सोने के बर्तन में। सोना कड़ा तो ले आओ, इतना महंगा? अरे भैया सस्ता बता दो कोई। चांदी का है, चांदी भी महंगा है, सस्ता बताओ। कांसे हाँ कांसा ठीक है, ठीक है जी। और बहुत बढ़िया चीज है, किसमें नहीं खाना चाहिए? सिल्वर के में नहीं खाना चाहिए। अच्छा प्लास्टिक में सिल्वर में नहीं। मैं फैक्ट्री था ना, अब इसका फोन आया, फिर आपकी आवाज आ रही थी जोर जोर से, तो मैंने कहा यार झगड़ा ना हो रहा हो, जब मैंने कि तुम मना कर दे इनको मैं आ रहा हूँ। या देख लो तुम, यो भाई बाज का बला जोर जोर तो बोलने लग रहे थे, मना लगा कहते कोई मेरा छोर अगला लड़न लग रहा। मखा भाई सामान लेवा था तुम, तुम्हारा ब्याह नहीं मुकदमा समझो हो। इतने में मैंने एक भाई दिख जाता साइकिल पर, नहीं डाल के आइटम ले रहा था। कचोरी है ये तो, मट्टी है चाकला खान की, ये खस्सा वाली है। क्या प्लेट दोगे? तीन पीस आओगे इसमें? हाँ तीन आएंगे। गाल अंकल देखती जाए खाओगे, ये इसका चूरा बना दिया है। इसमें कढ़ी डालेंगे, नया आइटम मार का नहीं होनी हो। या कढ़ी गर्म होगी अंकल? हाँ कढ़ी गर्म होगी। अच्छा ये डाल दे भाई इसमें कढ़ी। हाँ हाँ और अंकल और क्या क्या डाला इसमें? इसमें प्याज पड़ेगी वैसा, बस बस घड़ी मत डालो। मसाला फिर मसाला दिए। अच्छा ले साइकिल पे सारा कारोबार कर दिया अंकल ने, प्याज डाल दी। हाँ और अब ऊपर से डलेगा मसाला। ये कौन सा मसाला है? ये त्रिफला मसाला है। त्रिफला 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 चूर्ण है? नहीं त्रिफला मसाला है ये। अच्छा क्या क्या मिला रखा है इसमें? इसमें सफेद इलायची है। अच्छा पान वाली। अच्छा काली इलायची है। अच्छा सफेद मूसरी है, हर है इसमें। ओहो हो ये, और इसमें वो है काला नमक। वो अंकल ने आल कर दिया। ले बस साधन खा रहा है इसने, ये पेट पेट का मरोड़ खत्म करेगी। कल गणिया दे दी 20 रुपया में ठाटा ठोक रखा है तो मान सके जागा। सही है। तीन ये कचोरी एक प्लेट कटी की भाई जमाए 20 रुपया हम दे दी, ऊपर प्याज पूज गिर के नींबू गिर के चम्मच मार के एक नंबर का जीस आ जाता है। फिर साजू ने बोला चाय पैक ले चले जाते हैं एक डब्बे में चाय पीने के लिए। मोहित भाई को भी वापस भेज देता हूँ। मखा भाई आगे कितने कौन जावा कसूते थक रहे आज रेस्ट कराएंगे। मोहित चला जाता है, यहाँ मिल जाते हैं दो बहुत ही प्यारे फ्रोज भाई के साथ, आए लो करता हूँ फोटो खिंचवाता हूँ। चाय पीते पहुंच जाते हैं हम लोग रेस्ट हाउस पे, सारा सामान सुम तार के भीतर सेट करते हैं। एक और बात मैं सारे भाई बहना तक कहना चाहूँ भाई, मैंने रोज के उलाने मिलने लग रहे आप वीडियो नहीं डालते डेली की डेली। मखा भाई रोज डालू, आप लोग फॉलो करो, जब आपने वीडियो दिखेंगे फेसबुक मक्का करे बिना फॉलो करे वीडियो नहीं दिखाता। इसलिए सारे भाई बहन आते रिक्वेस्ट है चैनल ने फॉलो करो, उसके बाद वीडियो ने शेयर जरूर करा करो। एक बार फिर सारे भाई बहन ने याद दिवा दी भाई आज अपना मीटअप है ठीक 12 बजे रिवाड़ी का बस अड्डे का 12-19 अक्टूबर ने। सब भाई बहन आते रिक्वेस्ट है अपने परिवार के साथ जरूर जरूर पधाना। इसी के साथ आज का वो लोग यही समाप्त करते हैं। सारे बहन भाइयों ना जीतराड़ भाई की राम राम।